हरे कृष्णा। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस टॉपिक में। तो एक बार दोस्तों मैंने कहीं पे कविता पढ़ी, तो मैं कविता आपको सुनाता हूं। कविता ये थी कि अगर पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, अगर पत्थर की पूजा करने से मुझे हरी मिल जाते तो मैं तो पहाड़ की पूजा करूंगा। या कई लोग ये भी कहते हैं कि मंदिर मस्जिद बैर कराते मेल कराती मधुशाला। अभी लॉकडाउन खुला था, मधुशाला मेल करा रही थी, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई बार लोग भगवान के अर्चक विग्रह, मतलब भगवान के फॉर्म के ऊपर, भगवान के वर्शिप के ऊपर, भगवान के मूर्तियों के ऊपर कई प्रकार के लोग प्रश्न उठाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई ये मूर्तियां तो पत्थर की बनी हुई हैं, इनको आप भगवान की तरह क्यों पूज रहे हैं? भला कैसे मूर्ख लोग हैं ये लोग पत्थर को भगवान मान रहे हैं, या इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत एक पत्थर की पूजा करने के लिए? क्या आपने, मतलब आप लोग, भगवान तो अनलिमिटेड है, तो आप उनको एक पत्थर के फॉर्म में क्यों बना के उनको लिमिट क्यों कर रहे हैं? कई लोग ये भी बोलते हैं कि भगवान का कोई फॉर्म नहीं है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो हम मूर्तियों की पूजा हो रही है, उनकी जो सेवा हो रही है, ये ऑथराइज तरीके से हो रही है। कई लोग कहते हैं नहीं, एक सिर्फ सेंटिमेंट्स है, ये सिर्फ लोग एक इमोशनल तरीके से हम सोच रहे हैं, बट हालांकि वास्तविक में ऐसा कुछ नहीं है। तो तरह तरह के प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों कि लोग हमसे पूछते हैं या लोगों के मन में इस प्रकार की जिज्ञासाएं रहती हैं। तो क्या है आखिर, कि इसीलिए आज का जो हमने टॉपिक रखा, आज का हमारा टॉपिक है कि आइडल वर्शिप और आइडियल वर्शिप। तो इसमें हम आज इन सब टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, और कई ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, कई ऐसी मूवीज बन चुकी हैं जिसने इस डाउट को, इस टॉपिक को अति संवेदनशील बना दिया और डाउट्स लोगों के मन में बढ़ा दिया। हालांकि मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज का या इसका पर्पस एक ये होता है कि लोगों को प्रॉपर नॉलेज मिले जिससे लोगों के डाउट्स क्लियर हो, बट हम देख रहे हैं कि ऐसी मूवीज बन रही हैं जिससे डाउट्स और बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए आज का हमने टॉपिक लिया है। तो हम कई प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं कि जो लोग अक्सर लोग हमसे पूछते हैं या उनके मन में प्रश्न रहता है। तो सबसे पहले लोग अक्सर जो बड़ा सबसे फेमस और हॉट क्वेश्चन यही है कि अगर भगवान हर जगह है, अगर भगवान हर जगह है तो भाई मंदिर क्यों जाना प्रार्थना करने के लिए? भगवान तो हर जगह है, तो आप स्पेशली मंदिर क्यों बना रहे हैं? स्पेशली किसी मूर्ति की, किसी विग्रह की सेवा क्यों करा रहे हैं? क्यों कर रहे हैं चलो जी जगन्नाथपुरी, चलो चलो वृंदावन, चलो मथुरा, चलो तिरुपति बाला, चलो? भगवान तो हर जगह है भाई, यहीं से बैठे बैठे भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं। तो लोग अक्सर इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं। तो दोस्तों देखिए, भगवान अगर हर जगह है, उस प्रकार से अगर इस लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो हवा भी हर जगह है। मान लीजिए हवा भी हर जगह है, पूरे एटमॉस्फेयर में हर तरीके से, पूरे वायुमंडल में पूरी हर तरफ हवा लबालब भरा हुआ है, तो पंखा क्यों लगाते हैं, कूलर क्यों लगाते हैं? भाई हवा तो हर जगह है, एक स्पेसिफिक सोर्स क्यों बना रहे हैं आप, कूलर पंखा क्यों लगा रहे हैं? उसी प्रकार से अगर हम देखें तो पूरे इन्वायरमेंट में, पूरे एटमॉस्फेयर में देखें तो हर जगह हाइड्रोजन है, हर जगह ऑक्सीजन है, वाटर वेपर्स हैं, तो हम पानी क्यों पी रहे हैं? भाई हवा में चुस्की लें और पानी पी लें, तो बड़ी तरीके से हम क्यों नहीं पी रहे हैं? जाके एक स्पेसिफिक टैप से पानी पी रहे हैं, आरओ से फिल्टर करके एक स्पेसिफिक सोर्स से पानी क्यों पी रहे हैं? तो जब पानी पीने के लिए, हवा लेने के लिए एक स्पेसिफिक सोर्स लेते हैं, तो क्या भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान से रिसिप्रोकेट करने के लिए, भगवान से रिलेशनशिप बनाने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए कोई स्पेसिफिक सोर्स की जरूरत नहीं है? वो सोचने वाली बात है दोस्तों। तो दोस्तों मंदिर इसीलिए लोग जाते हैं, ऑल्दो भगवान तो हर जगह है, भगवान तो हर जगह है, बट भगवान का एक सेंटर है, भगवान एक ऑथराइज फॉर्म में जहां पर विराजमान है, वो मंदिर वो जगह है। जैसे हमने देखा कि पानी हर जगह है एटमॉस्फेयर में, वाटर वेपर्स हर जगह है, बट फिर भी टैप वाटर जगह होता है जहां से ऑथराइज तरीके से पानी पी सकते हैं। दूसरा रीजन एक ये भी दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ भगवान का दर्शन करने के उद्देश्य से मंदिर नहीं जाते हैं कई लोग, मुझ जैसे लोग तो दर्शन करने नहीं जाते हैं। भगवान का मंदिर जाने के कई प्रकार के अलग पर्पज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल भगवान का कई लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पे भगवान के नामों का संकीर्तन होता है, उनको भगवान का कीर्तन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लोग जो है भगवान की आरती में वहां पे नृत्य करते हैं, कई लोग को ये अच्छा लगता है, कई लोग को कल्चर बड़ा अच्छा लगता है, कई लोग कल्चर देखने जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वहां पर जो स्पिरिचुअल पर्सन है, जो वहां पे साधु हैं, जो वहां पे सेंटली पर्सन है, उनसे वो बात करने जाते हैं, उनका एसोसिएशन लेने जाते हैं, उनसे नॉलेज लेने जाते हैं, उनको सुनने जाते हैं, तो कई लोग इस वजह से मंदिर जाते हैं। और कुछ मुझ जैसे लोग हैं जो प्रसाद लेने जाते हैं वहां पे मंदिर में, उनको प्रसाद अच्छा लगता है। तो मंदिर सिर्फ इस वजह से लोग मंदिर जाने का पर्पज यही होता है कि भगवान का दर्शन करें, हालांकि ये भी पर्पज है, बट मंदिर जाने के कई आस्पेक्ट्स हैं।
तो जो लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवान तो हर जगह है फिर भी हम मंदिर क्यों जाते हैं, तो मंदिर जाने के अलग अलग पर्पज हैं, और वैसे भी मंदिर में भगवान स्थित हैं और भगवान का वो ऑथोराइज सेंटर है जहाँ भगवान पर्सनली अपने अर्चक वगैरह के फॉर्म में वहाँ पे उपस्थित है, इसलिए हम भगवान का दर्शन करने मंदिर में जाते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों कई बार लोग इस तरीके से भी प्रश्न पूछते हैं कि अगर एक पत्थर को उसके ऊपर सिंदूर लगा दें, उसके ऊपर कुछ अच्छा कलर लगा दें, उसको मतलब उसको रंग बिरंगा तरीके से रंग दें, तो क्या भगवान बन जाता है, उसका फिर हम पूजा कर सकते हैं? आपने देखा होगा कि एक बार पीके मूवी में भी इस प्रकार का प्रश्न उठाया गया था कि भाई एक मशीन गाड़ दिया फैक्ट्री में, उसके आगे 4-5 सिक्के डाल दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर बिजनेस चालू हो गया। तो क्या ऐसा है क्या कि कोई भी पत्थर भगवान बन जाता है, कि उसके ऊपर हम कोई भी कलर लगा दें तो फिर हम उसकी पूजा कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है नहीं, इसका उत्तर है नहीं दोस्तों, हर पत्थर भगवान नहीं बन सकता। हालांकि जो मंदिर में हम जिन अर्चक विग्रह की या भगवान की जिन मूर्तियों की हम सेवा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनकी आरती करते हैं, हालांकि वही पत्थर का ही बना हुआ है, बट साधारण पत्थर में और भगवान के अर्चक विग्रह में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे दोस्तों, इसको मैं समझाने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी जेब में अभी 20 रुपए हैं दोस्तों, मेरे जेब में 20 रुपए का नोट है दोस्तों, हालांकि लॉकडाउन चल रहा है इसलिए 20 रुपए का नोट है, एटीएम में जाने का बड़ा लफड़ा है। तो 20 रुपए का नोट है जो दोस्तों, ये भी कागज का बना हुआ है, और मेरे हाथ में एक पेपर है, ये भी कागज का बना हुआ है। तो देखने में देखा जाए दोस्तों तो दोनों कागज ही है, चाहे इस कागज की मैं बात करूं, चाहे इस पेपर की बात करूं, तो क्या दोनों कागज हैं तो क्या दोनों बराबर हो गए क्या? इसको मैं जाके बोल सकता हूं मुझे समान हो गया क्या? ये कागज और ये नोट दोनों बराबर है ऊपर ऊपर से देखा जाए, हालांकि दोनों कागज ही है। तो चूंकि ये जो 20 रुपए का नोट है दोस्तों, ये जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ऑथराइज किया गया, इसके ऊपर जो RBI गवर्नर के साइन है, इसके ऊपर जो स्टैंडर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी की फोटो लगी हुई है, और बाकी जो नोट के ऊपर जो जो स्टैंडर्ड है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस, वो सारे स्टैंडर्ड्स इस कागज के ऊपर फॉर्म फॉलो किए जा रहे हैं, इसलिए कागज होते हुए भी इस कागज से अलग है। इसको अगर और अच्छे से समझने का हम प्रयास करें तो दोस्तों एक और अच्छा तरीका, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हाथ में घड़ी है दोस्तों, ये घड़ी जिससे हम समय देखते हैं, तो इस घड़ी को हम देखें तो ये घड़ी जो है प्लास्टिक के मटेरियल से बना हुआ है। प्लास्टिक के मटेरियल, इसमें क्या क्या लगा हुआ है? प्लास्टिक के मटेरियल से बना हुआ है, कुछ मेटल्स हैं इसके अंदर, बैटरी लगा हुआ है, कांच लगा हुआ है इसमें। तो बट अगर क्या मैं इस घड़ी को तोड़ दूं, इसके एक एक पार्ट पुर्जे को मैं निकाल दूं, तो क्या समय है क्या? ये समय है? प्लास्टिक समय नहीं है, मेटल समय नहीं है, बैटरी समय नहीं है, ये समय को रिप्रेजेंट करने का एक माध्यम है। तो ये जो घड़ी है मैंने देखी, या कोई भी घड़ी है, अगर वो इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम के स्टैंडर्ड के हिसाब से फॉलो हो रही है, उसके हिसाब से घड़ी चल रही है, तो एक माध्यम है घड़ी को रिप्रेजेंट, समय को रिप्रेजेंट करने का, हालांकि वो समय भी नहीं है। उसी प्रकार से दोस्तों 20 रुपए का नोट कागज है, बट वो कागज नहीं है, क्योंकि वो RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथराइज किया गया है। उसी प्रकार से कोई भी स्टोन, कोई भी पत्थर जो है भगवान नहीं है, भगवान का अर्चक विग्रह नहीं है, अगर उसको शास्त्रों के हिसाब से, जिस प्रकार से शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों के अंदर भगवान का फॉर्म, भगवान के अर्चक विग्रह का फॉर्म डिस्क्राइब किया गया है, अगर वो उस आकार में नहीं बना हुआ है, उस शेप में नहीं बना हुआ है, और उस अर्चक विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया गया है, प्राण प्रतिष्ठा दोस्तों एक प्रोसेस है, वैदिक प्रोसेस है, जिसके द्वारा उस अर्चक विग्रह को, उस मूर्ति को एस्टैब्लिश किया जाता है, उसके बाद अर्चक विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ही हम उस मूर्ति की, उस अर्च विग्रह की उपासना करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर वैदिक रिचुअल्स का जो वैदिक प्रोसेस है और वैदिक स्टैंडर्ड है या वैदिक जो फॉर्म है, अगर उसके हिसाब से, उस सिस्टम के हिसाब से अगर वो काम नहीं कर रहा है, तो वो पत्थर दोस्तों भगवान नहीं है। इस चीज को हमें समझना चाहिए, बहुत क्लियर कट समझना चाहिए कि हर पत्थर भगवान नहीं है। तो जो ये जो दोहा लोग गाते हैं कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, तो भाई साहब पत्थर पूजने से हरी नहीं मिलेंगे। अगर वो पत्थर शास्त्रों के हिसाब से, अगर वो ऑथराइज नहीं है, शास्त्रों के हिसाब से बताए हुए स्ट्रक्चर से नहीं बना हुआ है, उसकी उस हिसाब से स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो आप उस पर मत्था टेकते रहिए, और उस पर मत्था टेकते देखते आप सर्वे फट जाएगा, फिर भी आपको हरी नहीं मिलेंगे। तो हरी को पाने का जो तरीका है, वो शास्त्रों के हिसाब से, अगर हम डीटी वर्शिप को, अगर भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो ही हम किसी पत्थर को आइडियल, या किसी पत्थर को हम आइडियल जो है अर्चक विग्रह, या भगवान का हम इसको रिप्रेजेंटेटिव या भगवान का फॉर्म माना जा सकता है। उसी प्रकार से दोस्तों कई लोग इस प्रकार के भी प्रश्न पूछते हैं कि जो भगवान का जो अर्चक विग्रह है, देखा जाए भगवान का जो मूर्ति है, भगवान का जो अर्चक विग्रह है,
दोस्तों अर्च विग्रह से मतलब ये है कि जो भगवान का जो फॉर्म है, जो भगवान का मूर्ति जो देखते हैं, उसको संस्कृत में अर्च विग्रह बोला जाता है। तो भगवान का जो डीटी है, इसका इंग्लिश में शब्द डीटी है, जो भगवान का जो डीटी है वो मटेरियल एलिमेंट से बना हुआ है। मटेरियल एलिमेंट से मतलब वो देखा जाए तो डीटी भी जो मार्बल के बनते हैं, स्टोन के बनते हैं, जगन्नाथ जी के डीटी लकड़ियों से बनते हैं, नीम की पेड़ की लकड़ी से बनते हैं। तो ये किस प्रकार से डिवाइन हुआ, क्योंकि पत्थर ये तो है पत्थर ही, तो डिवाइन कैसे हो गया ये, मतलब इतना भी क्या इसमें, मतलब पत्थर है तो पत्थर एक तरीके से डिवाइन कैसे हो गया, मतलब भगवान का फॉर्म कैसे हो गया हालांकि है तो पत्थर। तो दोस्तों हमें इस तरीके से समझना चाहिए दोस्तों, इसको इस चीज को समझने के लिए हमें इस तरीके से समझना चाहिए कि चाहे पत्थर हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे स्टोन हो, चाहे हम कोई प्लास्टिक लें, ये सब एक तरीके से भगवान का ही एनर्जी है। भगवान की दो तरीके की एनर्जी है, एक मटेरियल एनर्जी, एक है सुपीरियर एनर्जी, या इसको हम स्पिरिचुअल एनर्जी भी कहते हैं भगवान। तो हम जैसे भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि जैसे ये भूमि अनल, जैसे भूमि है, अग्नि है, वायु है, ईथर है, ये सब चीजें जो भौतिक शक्तियां हैं, जैसे भगवान इसे भौतिक शक्ति कहते हैं, भी भगवान की शक्ति एक तरीके से। तो भगवान अपने आप को भौतिक शक्ति से भी भगवान अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि भगवान बाउंड नहीं है कि भगवान सिर्फ अपने आप को भौतिक शक्तियों से प्रेजेंट नहीं करते, भौतिक वस्तुओं से प्रेजेंट नहीं कर सकते। भगवान के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है, बिकॉज भगवान इज अ सुप्रीम लॉर्ड, वो चाहे तो अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी प्रकार के मटेरियल एलिमेंट से। दोस्तों इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इलेक्ट्रीशियन है, तो इलेक्ट्रीशियन जो बिजली का उपयोग करके अगर वो इसको हीटर के थ्रू बिजली को पास करता तो उसे गर्म हवा निकाल सकता है, और अगर वो उसी बिजली को किसी ठंडे कूलर से पास करता तो उसे ठंडी हवा या ठंडा पानी निकाल सकता है। बट दोनों सिचुएशन में बिजली ही वो डिपेंड करता है एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन के ऊपर। सिमिलरली उसी प्रकार से भगवान भी एक प्रकार के एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन है, जिनके जो उस एनर्जी को चाहे मटेरियल फॉर्म में यूज करें, चाहे स्पिरिचुअल फॉर्म में एनर्जी करें, दोनों ही एनर्जी भगवान ही उन दोनों हर प्रकार की एनर्जी के सोर्स है। तो भगवान के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं कि भगवान अपने आप को मटेरियल फॉर्म के थ्रू प्रेजेंट नहीं कर सकते, और हालांकि मटेरियल फॉर्म जो है भगवान का ही पार्ट है, भगवान की शक्ति है, तो भगवान अपने आप को बिल्कुल प्रेजेंट कर सकते हैं अगर भगवान की इच्छा है, और अगर उस मटेरियल फॉर्म का, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, अगर उसको वैदिक शास्त्रों के हिसाब से वहां पे सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है, सारे रूल्स रेगुलेशन को माना जा रहा है, तो वाई नॉट, भगवान अपने आप को क्यों नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा फिर कई लोग प्रश्न पूछते हैं दोस्तों कि अगर जो है मैटर, जो जैसा भी हमने डिस्कस किया कि मैटर अगर भगवान का एक तरीके से पार्ट है, भगवान की शक्तियों का एक हिस्सा है, एक तरीके से भगवान की शक्ति है, सो क्या हम किसी भी मैटर की पूजा कर सकते हैं? क्या हम जैसे आपने देखा होगा कि नेचर, कई लोग नेचर की पूजा करते हैं, कई लोग नदी का पूजा करते हैं, कई लोग पहाड़ की पूजा करते हैं, कई लोग बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, तो क्या हम इनको भगवान मान सकते हैं? क्योंकि सभी 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 वस्तुओं के अंदर, सभी चीज भगवान सबके अंदर विराजित हैं और सब भगवान की शक्ति हैं, तो क्या हम इन चीजों का भी वर्शिप कर सकते हैं? क्या ऐसा वर्शिप करना सही है, गलत है? तो दोस्तों हमें समझना चाहिए कि वर्शिप करना गलत नहीं है, बट किस मूड में हम वर्शिप कर रहे हैं ये ज्यादा डिफाइन करता है। क्या हम पहाड़ को भगवान मान के वर्शिप कर रहे हैं, या हम पेड़ को भगवान मान के वर्शिप कर रहे हैं, या हम पेड़ को हम सेक्रेट देख रहे हैं कि ये भगवान का अंश है, भगवान का शक्ति है, इसलिए मैं इसको इसलिए वर्शिप कर रहा हूं ताकि मुझे याद रहे, मुझे रिमेम्बरेंस रहे कि भगवान की शक्ति, और इसका इस्तेमाल मुझे भगवान की सेवा के लिए करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं नेचर का वर्शिप इसलिए कर रहा हूं, मैं नेचर को पूजा इसलिए कर रहा हूं, मैं नदी और जो है झरने हैं, चाहे समुद्र है, चाहे मैं चाहे गोवर्धन का भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिवोटीज पूजा करते हैं, तो हम इसलिए पूजा करते हैं इन नेचर का, इनको भगवान मान के पूजा नहीं करते, हम नेचर को इसलिए पूजा करते हैं बिकॉज वी आर सीइंग इट एज अ सेक्रेट, कि भगवान का ही अंश है, भगवान इसके सोर्स है, भगवान का एक शक्ति है, और मेरा एज ए वर्शिप करते समय वी रिमेम्बर कि दैट इट इज अ पार्ट ऑफ कृष्णा एंड वी हैव टू यूज इट फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा, आई शुड नॉट यूज इट फॉर माई पर्सनल सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। मुझे याद रहे कि मैं अपने भौतिक संसाधन का और इस नेचर का मुझे उपयोग या इसका ज्यादा उपभोग अपने इंद्र तृप्ति के लिए, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं करना है। अगर ये कॉन्शियसनेस, अगर ये ट्रेनिंग सबको दी जाती है दोस्तों, तो आज नेचर का जो हाल है वैसा नहीं होता, क्योंकि हमें याद रहता है कि नेचर जो है भगवान की शक्ति है, भगवान का एक फॉर्म है, और हमें याद रखना चाहिए कि हम इससे जितना हमें जरूरत है, हमारी आवश्यकता के लिए जरूरत है, हम उतना लें, इसका हम ज्यादा दुरुपयोग ना करें।
तो हम इन नेचर का उपासना या किसी भी हम मैटर का हम जो है हम वर्शिप कर सकते हैं, बट बाय मेंटेनिंग बाय रिमेम्बरिंग दैट इट इज अ पार्ट ऑफ कृष्णा एंड वी हैव टू यूज इट इन द सर्विस ऑफ गॉड। फॉर एग्जाम्पल कई लोग देखते होंगे कि कई लोग कार का भी पूजन कराते हैं, कई लोग भूमि पूजन कराते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म या सनातन धर्म किस प्रकार का, इसमें कार का भी पूजा किया जाता है, मंदिर का भी पूजा किया जाता है, भूमि का भी पूजन किया जाता है, हर सबका पूजा ही किया जा रहा है, मतलब कई लोग जानवरों का भी पूजा करते हैं, गाय का भी वर्शिप करते हैं। तो दोस्तों पूजा करने के पीछे ये मेंटेलिटी नहीं है कि हम सबको भगवान देख रहे हैं, बहुत क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ये है। वी आर सीइंग कि इट इज अ पार्ट ऑफ कृष्णा, इट इज वेरी सेक्रेट एंड भगवान ने हमें दिया है अपने इसको इसलिए दिया है कि हम इसको ज्यादा से वर्शिप करते समय हम याद कर पाए, अपने आप को याद दिला पाए कि ये बहुत सेक्रेट है और हमें इसका मिसयूज नहीं करना, हमें इसे भगवान की सेवा में लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार की वर्शिप कर रहे हैं तो हमें कार की वर्शिप करते समय याद होना चाहिए ये कार बनाने वाले के पास जो बुद्धि है या इस कार को बनाने में जो मटेरियल लगा है वो भगवान ने दिया हुआ है, भगवान के दी हुई बुद्धि से, भगवान के दिए हुए मटेरियल की वजह से, नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से कार बना हुआ है। तो ऑफिशियली भगवान जो है इसके ऑफिशियल ये कार भगवान को बिलोंग करता है, भगवान की सेवा में कार लगना चाहिए। तो मैं इस कार को लेके मरीन ड्राइव पर लॉन्ग ड्राइव पर ना जाऊं, मैं इस कार को लेके भगवान के मंदिर जाऊं, तो ये दिस इज ऑफिशियल एंगेजमेंट ऑफ दैट कार इनटू द सर्विस ऑफ कृष्णा। फॉर एग्जांपल हमने भी डिस्कस किया। और दोस्तों कई प्रकार के लोग ऐसे भी हैं जो अक्सर डिस्कस किया करते हैं कि यार भगवान 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 के बारे में इतना बातें कर रहे हो, भगवान इतने सुप्रीम आप बताते हो कि भगवान ये है, भगवान वो है, ऐसा है वैसा है। बट हम देखते हैं कि मेडिवल टाइम में हम डिस्कस देखते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं कि भाई जब मुगलों ने या बाहर के जो अफगानी लोग थे या बाहर के जो इन्वेडर्स थे जिन्होंने इंडिया पर अटैक किया, तो उन्होंने जब घुस घुस के मंदिरों को तोड़ा है, मथुरा में जा के आग लगा दिया है, भगवान मंदिरों में घुस घुस के मूर्तियों को तोड़ा है, और तो भगवान आप कहते हो कि भगवान सारे दुख को दूर करेंगे, बट हम देखते हैं कि भगवान अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे, तो कैसे भगवान है आपके। कई लोग ये भी बोलते हैं कि भाई हम तो मंदिर गए, मंदिर में हमने देखा कि भाई मंदिर में भगवान का जो विग्रह है उसके नीचे चूहा जा रहा है, वहां पे मक्खियां भी बना रही हैं, तो हमें लगा कि भाई भगवान अपने चेहरे पे से अपने भोग के ऊपर से मक्खी नहीं हटा पा रहे हैं तो मेरे जीवन से कष्ट कैसे हटा देंगे। तो कई लोग दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, और अगर हमें इसका प्रॉपर आंसर नहीं पता रहता तो वी ऑल्सो गेट कंफ्यूज बाय दिस लॉजिक। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल इसका उत्तर देने से पहले दोस्तों मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कई दूसरे रिलीजियस धर्म हैं जिनके अंदर हम देखते हैं कि स्क्रिप्चर्स का बहुत वर्शिप किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिखिज्म में देखा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब का वर्शिप किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम इस्लाम में भी देखते हैं कि वहाँ पर कुरान का बड़ा रिस्पेक्ट किया जाता है, वर्शिप किया जाता है। तो अगर दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर मैं उनके स्क्रिप्चर्स को, अगर कोई जो नॉन बिलीवर है, जो फेथलेस आदमी है, अगर उस स्क्रिप्चर्स को लेके फाड़ देता है, उसको कागज को फाड़ के उसको आग में जला रहा है, तो क्या एक प्रकार से ये उस रिलीजन का डिसरिस्पेक्ट कर रहा है? तो क्या इसका ऐसे करने से वो रिलीजन बर्बाद हो गया? या इसको अगर हम शास्त्रों को फाड़ रहे हैं, कुरान को फाड़ रहे हैं, या सिखिज्म में से गुरु ग्रंथ साहिब को हमने फाड़ दिया, तो क्या ऐसे गुरु ग्रंथ साहिब का जो अस्तित्व है या जो उसका इंपॉर्टेंस वो खत्म हो गया? नहीं दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहब फाड़ने से गुरु ग्रंथ साहिब का इंपॉर्टेंस खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अगर हमें उसका इंपॉर्टेंस देखना है तो उसका इंपॉर्टेंस चेक करने का तरीका है कि वी हैव टू रीड इट एंड वी हैव टू अप्लाई इट इन अवर लाइफ। फाड़ने से उसका इंपॉर्टेंस हम चेक नहीं, ये पैरामीटर, ये जो पैरामीटर है, बैरोमीटर है कि फाड़ के हम उसका इंपॉर्टेंस चेक कर रहे हैं, उसका पोटेंसी चेक कर रहे हैं, ये बैरामीटर ही गलत है। इफ यू वॉन्ट टू चेक द पैरामीटर ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब और एनी स्क्रिप्चर, तो उसको फाड़ने से उसको चेक नहीं करिए, उसको पढ़ने से चेक करिए कि आपके अंदर कितना ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। उसी प्रकार से अगर आपके, अगर हमें, आपको या किसी को भी भगवान के डीटी या भगवान के पर्सनली जो विग्रह है, अगर उनका हमें पोटेंसी चेक करना है, तो वो पोटेंसी भगवान के ऊपर मटेरियल लॉ जो है उसका इस तरीके से चेक नहीं किया जाएगा, उसको मैंने तोड़ दिया और ये टूट गया, इसके अंदर कोई शक्ति नहीं। आप उस अर्चक विग्रह का जो शास्त्रों के हिसाब से जो प्रोसेस बताया, आप उसकी सेवा करो और यू फील, वी फील दैट हाउ मच ट्रांसफॉर्मेशन वी आर गेटिंग बाय सर्विंग द लॉर्ड, दैट इज अ पैरामीटर ऑफ चेकिंग द पोटेंसी ऑफ द डिवाइन नेचर ऑफ दैट दैट अर्चक विग्रह और दैट द फॉर्म ऑफ लॉर्ड, द डीटी ऑफ लॉर्ड। तो ये एक तरीके से पैरामीटर ही गलत है। दूसरा, अगर दोस्तों हम लॉजिक की बात करें, दूसरे और लॉजिक की अगर हम बात करें, तो ये मटेरियल वर्ल्ड भगवान ने अपने आप को
ओमनीपोटेंट अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाने के लिए स्टैब्लिश नहीं किया है। भगवान को पता है हमारी स्थिति क्या है। हम भगवान पहले हमको बहुत आश्चर्य की बात नहीं कि लोग यहाँ पे भगवान का फॉर्म तोड़ रहे हैं, भगवान का मंदिर तोड़ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ यही करने आए हैं। हम पहले वी आप मैं हम सभी जितने भी यहाँ पे जितने भी जीवात्माएं हैं, हम भगवान के साथ भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही थे। हम वहां से यही कह के आए कि भगवान हमें आपके साथ नहीं रहना, वी वॉन्ट टू इंजॉय सेपरेट फ्रॉम यू अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर, और हम यही करने आए, हम अपना ही उत्पाद मचाने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो भगवान यहाँ पर अर्चा विग्रह के फॉर्म में किसी फेथलेस आदमी को अपना शक्ति दिखाने नहीं आए। भगवान यहाँ पर आए हैं अपने डिवोटीज के लिए, अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों से सेवा करने के लिए, उनसे लविंगली एक्सचेंज करने के लिए, ना कि किसी फेथलेस आदमी को अपना ओमनीपोटेंस दिखाने के लिए। तो अगर कोई फेथलेस आदमी आकर अगर कोई इन्वर्टर आके भगवान के अर्चा विग्रह को तोड़ रहा है, तो भगवान उस अर्चा विग्रह से अपने आप को अनुपस्थित कर लेते हैं, अपने आप को अप्रकट कर लेते हैं, क्योंकि भगवान वहां पर अपने ओमनीपोटेंस को शामिल करने, क्योंकि भगवान ने ये संसार बनाया इसलिए मैले कुचैले लोगों के लिए ही बनाया हुआ है। तो वी आर ऑल मैला कुचैला लोग यहाँ पर आए हैं। तो बट भगवान ने प्रोसेस दिया हुआ है, शास्त्र दिए हुए हैं, गुरुजन भेजा हुआ है, भगवान ने अपने अर्चा विग्रह अपने धाम को भेजा हुआ कि अगर किसी वक्त किसी को सद्बुद्धि आ गई कि नहीं मुझे वापस भगवान की तरफ अपने आप को मोड़ना है, क्योंकि संसार में दुख है और इस संसार में मैं भगवान के बिना सुखी नहीं रह सकता, तो भगवान एक सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर किसी को वापस लौटना है तो यू टर्न मार सकता है। तो मैक्सिमम लोग पता है, भगवान को भी पता है कि यू टर्न मारने वाले लोग नहीं, मैक्सिमम लोग मैले कुचले लोग हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ उत्पात मचाने के लिए आए हुए हैं। तो भगवान ने अपने डिवोटीज के लिए अर्चा विग्रह बनाया हुआ, तो भगवान उनके सामने अपना ओमनीपोटेंस नहीं दिखाएंगे। और दोस्तों पॉइंट नंबर टू एक ये भी है कि अगर भगवान के अल्टर में अगर आपको मक्खी दिख रहा है और भगवान के अल्टर में अगर आपको चूहा दिख रहा है, तो हम और आप झक मारने गए क्या? हम और आप झक मारने नहीं गए। भगवान हमें सोचना चाहिए, भगवान हमें सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं, फिलोसफिकली हमें समझाना चाह रहे हैं कि हमने भगवान को बुला तो लिया है, भगवान को हमने बुला तो लिया कि भाव में आगे भगवान हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम अपने आप को प्यूरिफाई करना चाहते हैं, बट हम अपने सर्विसेज को ध्यान से नहीं कर रहे हैं। तो भगवान इसके माध्यम से हमें ये दिखाना चाह रहे हैं कि वी हैव बिकम केयरलेस इन अवर सर्विस, कि हमने ऑल्टर को अच्छे तरीके से साफ नहीं किया, अच्छे प्रकार से सेवा नहीं कर रहे। और दूसरी चीज दोस्तों ये अगर देखा जाए, अगर आपके या मेरे घर किसी घर में अगर हमारा कोई बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट, अगर कोई बहुत वीआईपी मेहमान आ गया, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अगर हमारे घर में आ गए और हमने मोदी जी को घर पे सोफा पे बैठाया और उसके बाद हम चले गए अपने टीवी देखने, फिर मोबाइल पे जाके बिजी हो गए और हमने उनको पानी पूछने के लिए नहीं पूछा और लाइट भी नहीं है, मक्खियां भी नहीं आ रही हैं, दिस इज नॉट ए प्रॉपर एटिकेट टू डील विद ए वीआईपी गेस्ट। सिमिलरली भगवान यहाँ पर एज ए गेस्ट हमारे इस भौतिक संसार में आए हुए, हमने भगवान को एज ए मोस्ट वीवीआईपी गेस्ट के रूप में भगवान को बुलाया, स्वयं साक्षात भगवान को, साक्षात हरि को हमने निवेदन करके कि भगवान हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम आपकी सेवा करके अपने आप को प्यूरिफाई करना चाहते हैं, ये सोच के हमने भगवान को यहाँ बुलाया हुआ। और हम केयरलेस हो जाएं तो भगवान यहाँ पर इट्स ओवर ड्यूटी, लॉर्ड इज ओवर मास्टर, ही इज गेस्ट, सो इट इज हमारी और आपकी ड्यूटी कि हम भगवान की सेवा करें, ना कि हम जाके मौज मस्ती करें और केयरलेस हो जाए। सो हमें इस तरीके से समझना चाहिए। कई लोग दोस्तों इस प्रकार का भी प्रश्न पूछते हैं कि भाई भगवान तो फॉर्मलेस है, भगवान का कोई फॉर्म ही नहीं है, भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, आप लोग बिना किसी अनफॉर्म आदमी की पूजा कर रहे हैं, किसी ऐसे आदमी का वर्शिप कर रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई सवाल नहीं है, आप लोग कैसे आदमी हैं? तो दोस्तों हमें समझना चाहिए इसको बहुत अच्छे तरीके से, अगर लॉजिकली अगर हम समझने का प्रयास करें, तो अगर हम सभी लोग, आप मैं हम सभी लोग जितने भी लोग इस संसार में, हम सभी लोग भगवान के ही अंश हैं, भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, भगवान के सेवक हैं, भगवान से हम सबॉर्डिनेट हैं, तो अगर हमारा फॉर्म है, आपका फॉर्म है, हर एक आदमी का फॉर्म है, किसी भी तरीके के आदमी का फॉर्म है, और हम ये कह रहे हैं कि भगवान का ही फॉर्म नहीं है, हमारा फॉर्म है बट भगवान का फॉर्म नहीं, इसका मतलब हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि भगवान हमसे नीचे हैं, हमारा फॉर्म है वी आर सुपीरियर देन लॉर्ड। सो दिस इज नॉट ए वेरी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। और अगर हम इसकी बात करें तो ना तो किसी प्रकार किसी भी वैदिक शास्त्र के अंदर, ना ही किसी प्रकार के वेद और पुराण के अंदर इस बात का हमें कहीं जिक्र मिलता है कि भगवान का कोई फॉर्म नहीं है। उल्टे अगर मैं आपको भागवतम से कोट करूं तो श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो 23 वर्स और 23rd चैप्टर और वर्स नंबर 22 में भगवान के फॉर्म का डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। लिखा जा रहा है कि हिज कंप्लीक्शन वॉज डार्क ब्लू एंड हिज गारमेंट इज गोल्डन, भगवान पीताम्बर पहनते गोल्डन, वियरिंग ए पिकॉक फीदर कलर्ड मिरनल्स स्प्रिंग ऑफ फ्लावर बर्ड्स एंड ए गार्लैंड ऑफ फॉरेस्ट फ्लावर एंड लीव्स, ही वॉज ड्रेस्ड लाइक ए ड्रामेटिक डांसर, ही रेस्टेड वन हैंड अपॉन द शोल्डर ऑफ ए फ्रेंड and with the other twirled a lotus, lilies graced his ears, his hairs hung down over his cheeks
एंड हिज लोटस लाइक फेस वॉज स्माइलिंग। तो हम देखते हैं दोस्तों भागवतम के अंदर भगवान के फॉर्म को, भगवान का हाथ पांव कैसा है, भगवान की आंखें कैसी हैं, भगवान का बाल कैसे हैं, भगवान का कलर कैसा है, भगवान के गाल कैसे हैं, भगवान के दोस्त कैसे हैं, एवरीथिंग हैज बीन डिस्क्राइब। और कोई एक आदमी हम कह रहे हैं कि भाई ये भगवान का फॉर्म नहीं है, भगवान तो ऐसे ही हैं, तो क्या ये शास्त्रवास या आचार वचार हवा में, आचार्य जितने आए हैं लोग हवा में आके टपक गए क्या? किसकी बात माने हम? भगवान की बात माने, आचार्यों की बात माने, शास्त्रों की बात माने, आपकी बात माने? तो ऑब्वियस है कि हम आचार्यों की बात के साथ ही जाएंगे। उसी प्रकार से ब्रह्म संहिता के 5.30 में कहा गया कि आई वर्शिप गोविंदा द प्रीमियर लॉर्ड हु इज अडेप्ट एट प्लेइंग हिज फ्लूट। भगवान के फ्लूट के बारे में दिया हुआ है। हु हैज ब्लूमिंग आईज लाइक ए लोटस पेटल्स, हुज हेड इज बिडेक्ड विद अ पीकॉक फेदर, हुज फिगर ऑफ ब्यूटी इज टिंज्ड विद ह्यू एंड ब्लू क्लाउड्स, हु यूनिक लवलीनेस चार्म्स मिलियंस ऑफ क्यूपिड्स। तो भगवान की सुंदरता के बारे में इतने डिटेल तरीके से, ये तो मैंने दो श्लोकों से कोट किया, दो श्लोकों को पढ़ के मैंने आपको बताया, बट इस प्रकार के अनगिनत इस प्रकार के शास्त्र हैं, अनगिनत इस प्रकार के श्लोक हैं जिसमें भगवान को, भगवान के फॉर्म को, भगवान के धाम को, भगवान के माता पिता को, भगवान के दोस्तों के बारे में एवरीथिंग हैज बीन डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो ये कहना ही बड़ा बेकार है कि भगवान को कोई फॉर्म नहीं है। तो दोस्तों हमने देखा कि किस प्रकार से अभी हमने डिस्कस किया, इसके ऊपर और भी कई प्रश्न हैं, तो अगर आपके और भी कोई प्रश्न है, अगर आप भगवान के फॉर्म से रिलेटेड या आपके और भी कोई भगवद गीता से रिलेटेड कोई प्रश्न है भगवान को लेके या भगवद गीता से लेके, तो आप जरूर मुझे मैसेज करिए, हमारे इस वीडियो के बाद हमारा नंबर दिया रहेगा। तो थैंक यू फॉर जस्ट वॉचिंग ओवर शिक्षार्थकम चैनल, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा।